तरह से परेशानी होती है आप लोगों को? हमें तो मच्छर सोने नहीं देते, बहुत सारे मच्छर हो रखे हैं। अभी गाड़ी आई थी लेकिन वैसे धुआं में उड़ा ली गई है ना, घास लेट से। वो तो मच्छर नाले में तो डाली नहीं है दवाई, तो अरे ऐसे ही कर दिए। और फॉर्मेलिटी कर रही है, नगर परिषद में भी बोल दी हमने तो, पर वो भी नहीं सुनते हमारी तो। कितने मच्छर हो रहे हैं? बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, बहुत मोटे मोटे मच्छर हो रहे हैं। वो तो ऐसे लगे हैं गाड़ी को, जैसे आती है ना कचरा वाली गाड़ी, वैसे के वैसे ले गए। नाले में कुछ नहीं डाला, ऐसे लगे वो तो सीधे सीधी। हाँ हवा के अंदर ही बहुत होती है, मच्छर तो बहुत खाते हैं। कितने मच्छर हो रहे, इतने मच्छर हो रहे, गिनती नहीं है। ये मच्छर मारने के लिए तो ढंग से करो, ये देखो गाड़ी जा रही है, देखो इससे क्या फॉलबंडी, ये तो क्या है? तो आपका नाम? संतोष साहू। हमारे भाई गाड़ी वो ऑटो आयो, घास लेट ने बीच में छड़ा कर चले गए, न तो नाला का कचरा खाता, नाले में मच्छर हो इसे मोटा मोटा, पूरे नाला ने भी कहते साफ नहीं कर रहा। दुर्गा जी परेशानी कितनी हो रही? इतनी परेशानी भी हमारे बच्चा बच्चे ने बुखार आ जाए, बड़ा बड़ा ने माने बुखार हो जाए। मैं तो चलो बुखार ले जाओ तो घर ले जाओ, तो बच्चा की स्कूल में खड़ाई पढ़ाई खोटी हुआ है। इतना मच्छर हो रही है बड़े, इतना मच्छर है हद कई बार। अब रेवा जत पता पड़ा ना बेना, तो बार आया फोगिंग करवा, मैं तो कर गया बीच में उड़ार भाग गया। तो ये कोई फर्क पड़ी मच्छर हूं यूं, काय मच्छर पड़ी, काय फर्क पड़ पाड़ो देखिए इसे, बीच में घास लेने डाल पाऊं काय फर्क पड़ पाड़ो है? कोई डाले तो आजू बाजू की नाले में तो डालन नो चावन ना। कितनी गाड़ी आई आज? एक ही तो आज जाल, तो इतना दिन का माना आज आई है गाड़ी। गाड़ी आई आज, आज जो फॉर्मेलिटी करके आई हूं, फर्क पड़ी कोई मच्छर मार रही है? काय कौन मारा ए उड़ रही है? मारा नाम तो दुर्गा, धूल उड़ रही है, नीचे तो आई नहीं रही है ना, सब नालियों के पास आनी चाहिए ये हवा के, यहाँ तो ऊपर जा रही है, ये तो नीचे तो कोई आई नहीं रही कि भाई मच्छर मर जाए और इसमें जानवर का कोई फर्क आवे। परेशानी कितनी होती है मच्छर? बहुत ज्यादा हो रही है, देखो आप एक मिनट खड़े होके देखो कि नाली के पास कोई आदमी रुक सकता है क्या? किस तरह से आप जीवन, इसमें पाइप लगा के और नीचे तक नाली तक अगर पोकिंग हो तो ये जा कामयाब है, नहीं तो ये तो ऊपर हवा में उड़ रही है, इसका कोई मतलब है नहीं। जो रह रहे हैं उनकी स्थिति देखो कैसे रह रहे हैं ये लोग। कन्हैयालाल जी, क्या सिर्फ धूल में ही हवा में सिर्फ उसको पोकिंग को उड़ाया जा रहा है? हाँ, के पैसों की बर्बादी की जा रही है, ऊपर जा रही है, मतलब नीचे नहीं आ रही, जो नाली के पास आना चाहिए वो नहीं आ रही। वार्ड में कितनी बार हो चुकी है? वार्ड में तो अब आज हुई है सर, आज ही हुई है इसमें तो, और इसको भी आप नाली के हिसाब से कराओ तो अच्छा रहेगा। तो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं तरीके से? नहीं, प्रॉपर नहीं हो रही है। क्या है, धूल ऊपर, जैसे धूल उड़ती है ना वैसे ऊपर जा रही है, नीचे नाली में नहीं आ रहा, क्योंकि कर्मचारी के पास में भी मास्क वगैरह नहीं, क्योंकि नुकसानदायक दवाई है। हाँ ये बात तो सही करो आप, लेकिन उसमें पाइप से कोई बैंड तो हो सकता है ना, जिससे नाली की तरफ तो आ सकती है। आपका नाम? कन्हैयालाल जांगीड़, पूर्व मनोनीत पार्षद किशनगढ़। आटर पटक था, अब तो कहीं नहीं पट गया, क्या यहाँ ने भाग के बातो, दुआ उड़े जान नहीं जा रही है, दुआ जान दुआ उड़ रही जान जा रही है, बातो कुछ पट गया ही नहीं, कहीं भी मच्छर तो बहुत हो रही है, चोर चोरी खा रही है, बीमार हो रही है, चोर चोरिया ने सब बीमार, सब चोर चोरिया खा गया मांग मच्छर। माताजी फॉर्मेलिटी कर रही है, कहीं कर रही है तो देख ले भला, इसे मच्छर नाले में पटका पाउडर तो मच्छर जावे ना कड़ो जाई, मच्छर तो कचरा मुल्लका हो रही है, तो हवा में उड़ाई गया नहीं, कोई नाला साफ कर पा रहा था, कचरा लग भरी है। परेशानी कितनी हो रहा, मच्छर कितना है? परेशानी बन रहा है कि बच्चा बच्चा को टोट टोट खा रखे है, बताओ हमें खा रखे थे जगह जगह। हाँ बड़े बड़े ना खा रखे तो बच्चा बच्चा ने तो खाई खाई। गंदगी कितनी हो रही है? गंदगी नाला भरी है, निकाल पा रहा था बंदी कोई। नाम बताओ? मनबर।